नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी ललन टॉक की पड़ताल। दावा क्या है? सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की वीडियो क्लिप को मिलाकर एडिट किया गया एक वीडियो मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा है। वीडियो के ऊपर टेक्स्ट लिखा है, मोदी जी आखिर किसकी सुने। माँ कह रही है 7500 रुपए दो, बेटी कह रही है 10000 दो और बेटा कह रहा है 1 रुपया नहीं दो। वीडियो की कुल लेंथ 58 सेकंड है। पहले 26 सेकंड में सोनिया गांधी बोलती दिख रही है, अगले पॉइंट 27 सेकंड से 37 सेकंड तक प्रियंका गांधी बोलती है और अंतिम के चरण में राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक हिस्सा दिखता है। हर एक बेरोजगार और गरीब व्यक्ति को कम से कम 10 किलो मुफ्त राशन बिना राशन कार्ड के लिए जाए और इसके अलावा अगले 6 महीने तक उनके खातों में डायरेक्ट ट्रांसफर द्वारा 7500 रुपए डाले जाए। 10000 रुपए की मांग कि हर जरूरतमंद के अकाउंट में तुरंत 10000 रुपए डाले जाएं। कि अगर हमने बहुत सारा पैसा गरीब लोगों को दे दिया, मजदूरों को दे दिया, तो बाहर देशों में गलत इंप्रेशन चला जाएगा, हमारी रेटिंग खराब हो जाएगी। अब बारी हमारी पड़ताल की। दी ललन टॉक ने वायरल वीडियो के साथ किए जा रहे दावे की विस्तार से पड़ताल की। हमारी पड़ताल में यह दावा भ्रामक निकला। इस वीडियो में राहुल गांधी के बयान को आधा अधूरा दिखाकर संदर्भ बदलने की कोशिश की गई है। हमने कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर चेक किया, हमें 28 मई 2020 को अपलोड किया गया एक वीडियो मिला। इस वीडियो का टाइटल है लाइव कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी का देशवासियों और भाजपा सरकार को संदेश। इस वीडियो में 6:10 के मार्क से आप वो हिस्सा सुन सकते हैं जिसकी क्लिप वीडियो के कोलाज में लगाकर वायरल की जा रही है। इसमें वो हर एक बेरोजगार और गरीब व्यक्ति के लिए 10 किलो मुफ्त राशन और 6 महीनों तक 7500 रुपए प्रतिमाह देने की मांग कर रही है। इस हालत में हर एक बेरोजगार और गरीब व्यक्ति को कम से कम 10 किलो मुफ्त राशन बिना राशन कार्ड के लिए जाए और इसके अलावा अगले 6 महीने तक उनके खातों में डायरेक्ट ट्रांसफर द्वारा 7500 रुपए डाले जाए। 28 मई 2020 के दिन ही कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी का संबोधन हुआ। ये वीडियो भी कांग्रेस के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। जो हिस्सा अभी वायरल हो रहा है उसे आप 1:47 के मार्ग से सुन सकते हैं। 10000 रुपए तुरंत अकाउंट में डाले जाने की मांग के बाद प्रियंका गांधी कहती हैं, दूसरी मांग है कि अगले 6 महीनों के लिए प्रतिमाह 7500 रुपए जरूरतमंदों के अकाउंट में डाले जाएं। 10000 रुपए की मांग कि हर जरूरतमंद के अकाउंट में तुरंत 10000 रुपए डाले जाएं, ये एक मांग है हमारी। दूसरी मांग कि अगले 6 महीनों के लिए प्रतिमाह 7500 रुपए जरूरतमंदों के अकाउंट में डाले जाएं। राहुल गांधी का जो बयान वायरल हो रहा है वो 25 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। इस वीडियो में 18:06 से 18:26 तक का हिस्सा काटा गया है। ये हिस्सा सुनने पर ऐसा लगता है कि ये बयान राहुल गांधी का है, लेकिन जब आप वीडियो में थोड़ा पीछे जाएंगे तो आपको पूरा किस्सा समझ में आ जाएगा। जब आप इस वीडियो को 17:50 के मार्ग पर सुनेंगे तो राहुल गांधी कहते हैं, थोड़ी सी मेरी बातचीत जो डिसीजन मेकर्स हैं इनडायरेक्टली होती रहती है, उनकी व्यू है कि अगर हमने बहुत सारा पैसा गरीब लोगों को दे दिया, मजदूरों को दे दिया, तो बाहर देशों में गलत इंप्रेशन चला जाएगा, हमारी रेटिंग खराब हो जाएगी। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हिंदुस्तान की शक्ति बाहर से नहीं बनती है, हिंदुस्तान की शक्ति हिंदुस्तान के अंदर से बनती है। हिंदुस्तान की इमेज बाहर नहीं बनती है, हिंदुस्तान की इमेज हिंदुस्तान के अंदर बनती है। जब हिंदुस्तान मजबूत होता है, जब हिंदुस्तान की शक्ति में शक्ति होती है, तो बाकी दुनिया देखती है, इमेज बनती है हमारी।
तो मैं फिर से कह रहा हूं, हिंदुस्तान की शक्ति की रक्षा करने की जरूरत है। शक्ति की रक्षा कैसे करनी है? डायरेक्ट कैश एकदम 50% लोगों को महीने का 7,500 रुपए, सबसे गरीब मजदूरों को। ये हमारी शक्ति है, ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारा सोल है, आत्मा है, इसकी रक्षा करनी है। पूरा बयान सुनने के बाद ये पता चलता है कि वायरल हो रहा बयान राहुल गांधी का नहीं है, वो डिसीजन मेकर्स की बातें कोट कर रहे थे। इसी लाइव के दौरान 21 मिनट के मार्क पर राहुल गांधी मजदूरों के लिए 7,500 रुपए प्रतिमाह देने की बात दोहराते हैं। अभी भी सरकार मजदूरों की मदद कर सकती है, अभी भी सरकार 7,500 रुपए महीने का दे सकती है। हमें इंटरनेट पर ऐसी कोई प्रामाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें राहुल गांधी ने गरीबों को पैसे दिए जाने का विरोध किया हो। तो नतीजा क्या निकला? वायरल वीडियो के साथ किया जा रहा यह दावा भ्रामक है। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने 28 मई के संबोधन में 7,500 रुपए प्रतिमाह देने की बात कही थी। 28 मई को ही कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी एक लाइव किया था। इसमें उन्होंने हर एक जरूरतमंद के अकाउंट में 10,000 रुपए तुरंत और अगले 6 महीनों तक 7,500 रुपए देने की मांग की थी। वायरल वीडियो में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का 20 सेकंड का एक हिस्सा काट कर लगाया गया है। इसे सुनने पर ऐसा लगता है कि राहुल गांधी मजदूरों को पैसे दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। पूरा बयान सुनने के बाद समझ में आता है कि राहुल गांधी डिसीजन मेकर्स की कही बात बता रहे थे। गरीबों को पैसे देने से गलत इंप्रेशन जाने के बयान राहुल गांधी का नहीं था। आपके लिए पड़ताल की थी हमारे साथी अभिषेक ने। आपको अगर ऐसी किसी भी खबर पर शक हो, शंका हो, या आपको लगे ये फेक न्यूज है, तो हमें भेजें पड़ताल@gmail.com पर। हम उसकी पड़ताल करेंगे और पूरा सच आपको बताएंगे। बाकी देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।